नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। लो जी फ्रेंड्स, फिर से मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे प्लांट के बारे में जो कि जिसे आप जो अपने घरों के आसपास रोड साइड पे और जिसे आप जो है जंगली पौधा भी कह सकते हैं। देखिए, ये पौधा जंगली पौधा भी है और इसे आप चाहो तो इसे मेडिसिनल प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है मैं कहूँ कि आपके बहुत सी जो है बीमारियों में काम आता है। तो उसकी कई सारी बीमारियां जो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इसकी बीमारी के बारे में आप जान सकते हैं कि किन बीमारी से इसका जो इलाज किया जाता है। तो मुझे जो इसकी जो बीमारी के बारे में पता है, जैसे कि पैरों में सूजन वगैरह है, तो उसकी देखिए इसके जो पत्तों को यहाँ पर बांधा जाता है। तो ये जो प्लांट है देखिए, इसे आप मैं कहूँगा यह है धतूरे का पौधा। जी हाँ, धतूरे का पौधा। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा, ये काफ़ी मेडिसिनल प्लांट भी है, लेकिन इसके बारे में अगर आपको बताऊँ तो थोड़ी आपकी इसकी सावधानियाँ भी बरत सकते हैं। इसमें थोड़ा टॉक्सिन भी पाया जाता है, यानी थोड़ा जहरीला भी होता है। तो इसके जो है कई सारी बीमारियों में के साथ साथ जो है इसके काफ़ी कहूँगा प्लांट्स की, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में भी इसके प्रतियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे जो प्लांट है देखिए, इसकी जो डिमांड है मार्केट में वैसे ही बहुत रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये भगवान जब शिवरात्रि वगैरह आती है तो ये सावन का महीना आता है, तो इसके जो पत्ते हैं, फूल है, इसका जो फल भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि उन भोलेनाथ जी को ये जो है प्लांट के पत्ते फूल फल बहुत पसंद है। तो इसको जो अगर आप चाहो तो अपने छत में ग्रो कर सकते हैं, कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैंने लगाया है। तो इसकी वीडियो में आपको मैं पूरी बताऊंगा कि इस तरीके से जो आप इसको ग्रो कर सकते हैं और कैसे इसकी जो देखभाल करनी है। तो देखिए वैसे फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से पत्तों से यहाँ पे ग्रो किया था, तो उसको आप बड़े इजीली से यहाँ पे ग्रो किया जा सकता है बीजों के साथ। अगर आप इसकी अगर कटिंग लगाना चाहें तो कटिंग भी इसकी आप लगा सकते हैं। वैसे जो प्लांट है, अगर आप इसको रोड साइड पर कहीं देखते हैं या फिर अपने घर के आसपास जो देखते हैं, तो उसको जो आप उखाड़ के भी लगा देंगे तो भी प्लांट बड़े अच्छे से जल्दी से ग्रो कर जाता है, पकड़ कर जाता है, क्योंकि प्लांट कुछ ऐसे टाइप का है। और देखिए, इस प्लांट की मैं कहूँगा तो खेती भी की जाती है, काफ़ी बीमारियों में जो इसके जो इस पर जो फल लगते हैं उसका जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है दवाइयाँ बनाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो आँखें का पत्ता है, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने इस टाइम पे जो है सीड से ग्रो किया है। अगर बात की जाए इसको ग्रो करने की, तो देखिए इसमें जब पत्ते इस पर लगता है, इस पर तो वाइट रंग का इस तरह से लाल साइज़ का जो फूल आता है, तो वो भी भगवान शिव जी के चढ़ाया जाता है। तो अभी तो मेरे इस पर जो फूल प्लांट्स अभी छोटे हैं, तो इनको जो मैंने रोड साइड पर देखिए एक जो प्लांट लगा था उस पर जो सीड्स थे, जो सूखा फल था, वो मैंने इसके तोड़ के इसके सीड्स ग्रो किए थे, बड़े इजीली से यहाँ पे लग जाते हैं। अगर इसके सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही इसके सीड्स अगर तोड़ के डाल देंगे, जैसे कि आप प्लांट ग्रो करते हैं, तो बड़े इजीली से यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। अगर बात की जाए इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो ये प्लांट को देखिए यहाँ पे कहूँगा कि सन बहुत पसंद है, तो आप इसको जो पूरे दिन की धूप इसको दिखा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट ये रहता है। बाकी बात की जाए इसकी सॉइल की, तो किसी भी सॉइल में आप इसको ग्रो कर सकते हैं, किसी टाइप की सॉइल हो, बेशक से आपकी छत का जो कूड़ा है सफाई करने वाला उसमें भी आप लगा देंगे तो भी यहाँ पर ये ग्रो कर जाता है। बाकी बात की जाए इसमें देखिए वाटरिंग रिक्वायरमेंट की, तो जो प्लांट है सूखे में यहाँ पर चलने वाला है, इसको जो है अधिक जो है पानी वगैरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहती है। और बात की जाए इस पर पेस्ट, तो इस प्लांट पे किसी प्रकार का जो पेस्ट है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। इसके पत्ती का साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है और जो फूल का साइज़ है काफ़ी बड़ा इसमें लगता है, और फूल के बाद जो है इसमें एक फल भी लगता है जो कि कांटेदार यहाँ पर रहता है, और कांटेदार में देखिए जो फल है वो सूखने बाद जो इसमें सीड्स बन जाते हैं, सीड्स से जो ग्रो किया जाता है। तो उसके फूल है जो वाइट रंग का जो रहता है, तो देखिए वो भी मार्केट में बड़े क्या हुआ, जब भगवान शिव जी की जो हमारी पूजा के में चढ़ाया जाता है, तो वो भी जो है आपको 5 से 10 रुपये में जो है बिकता नज़र आता है। फल भी जो है इसके 5-5 से 10 रुपये में बिकते नज़र आते हैं, और पत्ते भी यहाँ पे इसके जो है भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है। आप चाहो तो इसे छत में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ग्रो करने से पहले आप, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा टॉक्सिन रहता है, तो आप इसे अपने बच्चों से पालतू जानवरों से दूर रखिए, ताकि इसको कोई इसको खाए नहीं। देखिए इसमें आप थोड़ी इसको ऊँचाई पर लगाइए ताकि ये सेफली तौर पे रहे और आप इसको अपनी पूजा में इस्तेमाल कर सके। वैसे तो अदरवाइज़ इसको आप आपके छत में अगर ग्रो करते हैं तो उसका जो और कोई मतलब नहीं है, ना ही आप इसको कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर आप इसको पूजा के लिए ही ग्रो करेंगे। बाकी इसके प्लांट में मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत आप देखेंगे तो हल्की सी स्मेल भी रहती है, आप चाहो तो उसको इसकी जो प्लांट की खुशबू कह लीजिए या फिर आप थोड़ी स्मेल कह लीजिए, तो उसके पत्तों में से फल में से थोड़ी सी खुशबू भी यानी कि स्मेल भी आती है। इसको लगाने के लिए बहुत अधिक जो है पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, आप अपने घर से ही टूटे फूटे जो कोई पुराना गमला है या जो है इस तरह से जो पॉलिथीन वगैरह रहती है उसमें आप इस तरह एक कोने में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटे से ग्रो बैग वगैरह में ग्रो किया हुआ है। तो इसके जो प्लांट्स हैं आप इस तरह से एक एक दो दो भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और इसके जब प्लांट आप ग्रो कर लेते हैं तो जब उस पर जो फूल पत्ते वगैरह लग जाते हैं, तो अगले सीजन उसके जो सीड से लेके दोबारा से इसको ग्रो कीजिए, तो आपको मैं जो है अधिक फूल देखने को मिलते हैं। इसके जो फूल खिलते हैं तो दोस्तों जो है रात के समय ही इसका फूल खिलता है, और दिन भर में है थोड़ा बना रहता है, और जाते ही जो इसके फूल हैं वो यहाँ पर बंद हो जाते हैं, फिर रात के समय फिर से जो इसके फूल यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। मैंने भी जो प्लांट है अपने टेरेस में सिर्फ भगवान शिव को पत्ते चढ़ाने के लिए, इसके फूल फल चढ़ाने के लिए ही मैंने इसको यहाँ पे ग्रो किया है। तो उसके यहाँ पे मैंने 2 से 3 जो प्लांट यहाँ पे ग्रो किए हैं, ताकि इनकी जो है मैं जो
पत्ते हैं वो अपने भगवान जी को खुश करने के लिए उनको चढ़ा सकूँ। आप इसे अपनी छत में है कोने में इजली से ग्रो कर सकते हैं। बाकी इस प्लांट को जो है अधिक पानी आप मत दीजिए, इस प्लांट को जो है अधिक पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। ये है सूखे में चलने वाला थोड़ा प्लांट है। अगर आपको लगता है कि इसके पत्ते थोड़े झुक गए हैं तो ये पानी की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको जो है पानी डाल दीजिए। बाकी इसमें किसी प्रकार की आपको देखभाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप उगाना चाहते हैं तो जोर से उगा सकते हैं मेरी तरह। और आप बस फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप जब इसे लगाएंगे तो आप जो है बच्चों की अपने पेट्स आपने पाल रखे हैं तो आप थोड़े अपने इस प्लांट को थोड़ा ऊंचाई पे ही किसी कोने में आप लगाइए, ताकि बच्चों का हाथ ना जाए और किसी पालतू जानवर जो है आपके हैं वो भी पत्तों को नवारा कर ना खा सके। देखिए अगर इसका थोड़ा वो आप सेवन कर भी लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि जैसे कि इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं रहता है, लेकिन उल्टी आना, चक्कर आना, ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। तो फिर भी आप इसको सेफ्टी के साथ ही चलिए, क्योंकि इसमें थोड़ा टॉक्सिन नाम का पदार्थ रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यहाँ पे अच्छी लगी होगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।